दोस्तों हमने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही सही देखा भी है, वो इसलिए क्योंकि अगर आज की डेट में जहां पर दोनों ही टीम्स मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड अभी पूरी तरह से भरे नहीं हुए हैं, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, और ऐसे में अगर आज की डेट में मैच होता है तो कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, दोनों ही टीम्स के हम प्लेइंग 11 देखने वाले हैं, किस टीम्स के ज्यादा प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे लय में हैं, ये देखने वाले हैं, रिसेंट फॉर्म कैसा है, और इसी के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच को जीतेगी। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह आईपीएल 2020 के फैन हैं, मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे एमएस धोनी रोहित शर्मा के लिए, साथ ही साथ आईपीएल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख ले। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओवरऑल क्या इस मैच की प्रेडिक्शन रह सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 को। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में 20 प्लेयर्स अभी रिटेन्ड में बचे हुए हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में 18 प्लेयर्स बचे हुए हैं, और इन्हीं प्लेयर्स के तौर पर हम प्लेइंग 11 बनाते हैं। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। ओपनिंग यहां से करने वाले हैं रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक जो कि बेस्ट ओपनर है इस स्क्वाड के, इनके बाद मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 से सूर्य कुमार यादव, इनके बाद नंबर 4 पर ईशान किशन, ऑलराउंडर्स के तौर पर 3 ऑलराउंडर्स यहाँ पर खेलने वाले हैं, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, तो काफी स्ट्रॉन्ग इनका ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट रहने वाला है। स्पिनर्स की बात की जाए तो कृणाल पांडे के साथ राहुल चहर की जोड़ी जमती है, तो वहीं पेस बॉलिंग अटैक में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा खेलने वाले हैं। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की रहने वाली है, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है। बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में ओपनर्स के तौर पर शेन वॉटसन, फाफडू प्लेसिस रहने वाले हैं, इनके बाद मिडिल ऑर्डर में अंबती रायडू, सुरेश रैना, केदार जाधव रहने वाले हैं, विकेट कीपर के तौर पर एमएस धोनी, ऑलराउंडर्स के तौर पर रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो रहने वाले हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग इनका बैटिंग लाइनअप है, काफी डीप बैटिंग लाइनअप है। स्पिनर्स के तौर पर रविंद्र जडेजा के साथ इमरान ताहिर इनका साथ देने वाले हैं, और पेस बॉलिंग अटैक में शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर जो इनका पिछले 2 साल से पेस अटैक रहा है। तो ओवरऑल ये भी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस के प्लेयर काफी अच्छे फॉर्म में है, वो ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, वो इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस के ज्यादातर प्लेयर्स या तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर ओवरसीज T20 लीग्स खेल रहे हैं। बात की जाए लसित मलिंगा की, मजेंसी प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट खेल रहे हैं, क्विंटन डीकॉक भी खेल रहे हैं, बाकी जो इनके इंडियन प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंडिया की T20 स्क्वाड में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं, फॉर्म में जरूर है, लेकिन सारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 को देखते हैं तो ओपनर्स के तौर पर भी मुंबई इंडियंस की टीम का पलड़ा भारी है रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक का, ऑलराउंडर्स के तौर पर हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कायरन पोलार्ड है मुंबई इंडियंस की टीम में, स्पिन डिपार्टमेंट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आगे है। लेकिन अगर आप बॉलिंग को देखते हैं, एक्सपीरियंस बॉलिंग को देखते हैं, तो ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा है, तो ओवरऑल मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच को जीतने वाली है अगर आज की डेट में मैच होता है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आईपीएल अपडेट्स, क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।